अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बैगन तवा फ्राई की बहुत ही इजी डिलीशियस रेसिपी, जिसे मैंने यूनिक तरीके से बनाया है। आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, लंच और डिनर में साइड डिश के तौर पर ये रख बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो मैंने बैगन लिया है, दो बैगन मैंने लिया है, लंबे बैगन लिया था, लेकिन आप अगर गोल बैगन का बनाएं ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो मेरे पास गोल बैगन नहीं था, तो मैंने इसे काट लिया, ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना ना पतला काटना। तो बैगन बहुत जल्दी काटने के बाद कलर चेंज कर लेते हैं, तो मैंने पानी लिया है और पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और गुल मिर्च पाउडर, उसके बाद डिप कर दिया है बैगन को, ताकि बैगन अच्छी तरह से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और इसमें नमक और गुल मिर्च का फ्लेवर आ जाए और बैगन ख़राब भी नहीं होगा। अब मैंने लिया है बेसन, 6 टेबल स्पून बेसन लिया, उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और चाट मसाला मैंने डाला इसको टेस्टी बनाने के लिए 1 टीस्पून। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैंने पहली बार इस तरह से ट्राई किया था, एक्चुअली ये रेसिपी मेरी बेटी ने बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ और अपने व्यूवर्स को बताती हूँ किस तरह से मैंने बनाया था। तो सारे बैगन को, एक एक बैगन के पीस को उठा करके इस तरह से बेसन में अच्छी तरह से दोनों साइड से इसको कोट कर लेना। उसके बाद मैंने एक तवा लिया है, उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। बहुत ही क्रिस्पी हुआ था, टेस्ट इसका ज़बरदस्त हुआ था और देखने में तो लाजवाब हुआ था। तो विवश इस तरह से आप बनाएं बैगन तवा फ्राई, इसको हमारे यहाँ बैगन का चक्का भी कहा जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। इसे आप चावल के साथ खाएँ, लाजवाब लगेगा। तो देखिए अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना। अब इसका मैं साइड चेंज कर ले रही हूँ। बस आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आप बताइएगा कि अगर आपको बैगन पसंद है तो ये ज़रूर आप ट्राई करें। मुझे तो बैगन बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त हुई थी और अक्सर मैं डिनर में ये बना लेती हूँ साइड डिश के तौर पर, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। बस आपको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बहुत छोटी सी वीडियो है तो प्लीज़ स्किप ना करें, फुल वॉच करें। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।